जय हिंद। आज हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश को तीन भागों में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तीन भागों मध्य प्रदेश को बांटा गया। जो पार्ट ए था, पार्ट ए सेंट्रल प्रेवेंसी एंड बरार के नाम से जाना जाता है। जो सेंट्रल प्रेवेंसी एंड बरार है, जो सेंट्रल प्रेवेंसी था, सेंट्रल प्रेवेंसी की जो गठन किया गया था 1861 में किया गया था, महाकोशल क्षेत्र को गठित किया गया था और इसका नाम रखा गया था सेंट्रल प्रोवेंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोवेंस रखा गया था। फिर जो छत्तीसगढ़ की जो कुछ सियासतें थी, छत्तीसगढ़ की कुछ सियासतों को जोड़कर उसका नाम बरार कर दिया गया। और भारत स्वतंत्रता के बाद भारत इनका जो गठन किया गया दोनों का, फिर इनका संयुक्त नाम रख दिया सेंट्रल, सेंट्रल प्रोवेंस एंड बरार रख दिया गया 1950 में। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी नागपुर बनाई गई। इसके प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थी। पार्ट बी, जो पार्ट बी है, पार्ट बी को मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। जो इसकी जो प्रमुख थे, इसके प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया को बनाया गया था। जो राजधानी थी, राजधानी इंदौर और इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। जो पश्चिमी 25 सियासतें थी, उनको जोड़कर के मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया था। मध्य भारत प्रांत की जो इंदौर राजधानी थी, वह 5.5 महीने के लिए हुआ करती थी, 5.5 महीने के लिए इंदौर राजधानी हुआ करती थी। और ग्वालियर 6.5 महीने के लिए राजधानी हुआ करती थी। जो इंदौर थी, इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। पार्ट सी, पार्ट सी विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना उत्तर भारत, जो उत्तर है मध्य प्रदेश का उत्तर क्षेत्र था, बुंदेलखंड और बघेलखंड की जो 38 सियासतें थी, इनको संयुक्त रूप से जोड़कर 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। जो इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी रीवा थी। जो इसके प्रमुख थे, इसके प्रमुख रीवा के महाराज, महाराजा मार्तंड सिंहदेव इसके प्रमुख बनाए गए। जो भोपाल था, भोपाल पार्ट सी का ही हिस्सा था। इसे 1949 में पार्ट सी में जोड़ा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, वह 1953 में आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। और जो फजल, जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, उसने अपनी रिपोर्टें 1955 में दी थी। और उसकी जो रिपोर्टें थी, वह लागू 1956 में हुई थी। जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जो पार्ट ए था, पार्ट ए की जो 8 जिले थे, 8 जिलों को महाराष्ट्र में जोड़ दिया गया। जो मध्य प्रदेश का जो पार्ट ए था, उसके 8 जिलों को महाराष्ट्र में जोड़ दिया गया। भानु, जो पार्ट ए की जो भानुपुरा तहसील थी, भानुपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग जो था, वह पार्ट ए का, वह मध्य प्रदेश का ही भाग बना। जो राजस्थान का जो कोटा है, राजस्थान के कोटा जिले की जो सोनी तहसील थी, उसको मध्य प्रदेश की विदिशा में जोड़ दिया गया। पार्ट बी था, पार्ट बी का जो पार्ट बी था मध्य भारत का, जो मध्य भारत का जो संपूर्ण भाग था, वह मध्य प्रदेश का ही भाग बना। और पार्ट सी विंध्य प्रदेश का जो भी संपूर्ण भाग, मध्य प्रदेश का ही भाग बना। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को नवनिर्मित मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसमें जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया, इसमें 43 जिले थे, 43 जिला। और जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, इसकी जो राजधानी थी, राजधानी भोपाल बनाई गई। जो उस समय जो सीहोर जिला था, सीहोर जिला की तहसील हुआ करती थी भोपाल। नवनिर्मित जो मध्य प्रदेश बनाया गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी, वह उस समय सीहोर जिला की तहसील हुआ करती थी। जिलों, उस समय जिलों की संख्या 43 थी। 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 जिला बनाए गए। जो भोपाल था, भोपाल सीहोर से अलग होकर बनाया गया और यह दुर्ग से अलग होकर बनाया गया राजनांदगांव। इस प्रकार जिलों की संख्या 45 हो गई थी। फिर जिला पुनर्गठन आयोग 1983 में बनाया गया। इसके अध्यक्ष बीपी दुबे थे। जो जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जो 1983 में बनाया गया, इसने अपनी रिपोर्ट 1998 में दी। इसकी जो सिफारिश थी, इसकी सिफारिश पर 10 जिले बनाए गए।
दस जिले बनाए गए। वर्तमान में जो 10 जिले हैं, 10 जिलों में से वर्तमान में कुल 4 जिले हैं मध्य प्रदेश में, तो बड़वानी, श्योपुर, मुरैना और कटनी है। बाकी जो छत्तीसगढ़ राज्य बना था उसमें चले गए हैं। जो सहदेव समिति है, सहदेव समिति 1998 बनाई गई। सहदेव समिति ने अपनी जो सिफारिशें दी, इन सिफारिशों के अनुसार 1998 में 6 जिले और बनाए गए, जिनमें से वर्तमान में 3 मध्य प्रदेश में है, हरदा, उमरिया और नीमच। इस प्रकार 1998 में कुल 16 जिले बनाए गए। इस प्रकार जिलों की संख्या 1998 में 61 हो गई थी। कुल जिलों की संख्या 61 हो गई थी। 31 अक्टूबर 2000 को 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना दिया गया और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का नया स्वरूप तैयार किया गया। तो नया स्वरूप तैयार किया गया, इसमें मध्य प्रदेश में 45 जिले थे और जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की जो 16 जिले थे, 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। मध्य प्रदेश में उस समय कुल 45 जिले बचे। 2003 में 3 जिले और बनाए गए। 3 जिले अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर बनाए गए। जो अनूपपुर था, अनूपपुर को शहडोल से अलग करके बनाया गया, बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके बनाया गया, अशोकनगर को गुना से अलग करके बनाया गया। 2003 में कुल जिलों की संख्या 48 हो गई और 2008 में 2 जिले और बनाए गए, जो अलीराजपुर, सिंगरौली। जो झाबुआ है, झाबुआ अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया, सिंगरौली को सीधी से अलग करके बनाया गया। जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर को 49वां जिला बनाया गया और जो सिंगरौली है, सिंगरौली को 50वां जिला बनाया गया। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जब यह सिंगरौली बना था, सिंगरौली को शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि इसे भारत का सिंगापुर बनाया जाएगा। 2013 में एक और जिला बनाया गया, आगरमालवा। आगरमालवा को सांझापुर से अलग करके बनाया गया। यह मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी बनाया गया। यह मध्य प्रदेश का वर्तमान सबसे छोटा जिला है। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 प्रस्तावित जिले हैं। इन जो नागदा है, नागदा उज्जैन से लागू के बनाया जाना है, मैहर सतना, और जो चचोड़ा है, चचोड़ा गुना से लागू कर बनाया जाना है। वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग हैं। 1 अक्टूबर 2018 को जो निवाड़ी जिला बनाया गया है, टीकमगढ़ से लागू को बनाया गया है, जो इसकी क्षेत्रफल है 13/18 इसका क्षेत्रफल है, जिसकी जनसंख्या है, इसकी जनसंख्या 20,000 के समथिंग है, 20,000 लगभग। और जो इसकी जो प्रथम कलेक्टर बनाए गए थे वह अक्षय कुमार। 3 तहसीलों को गठित करके निवाड़ी जिला बनाया गया है। जो इसकी 3 तहसीलें हैं, ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुरा है। इन 3 तहसीलों को जोड़कर निवाड़ी जिला का गठन किया गया है। जो निवाड़ी जिला है, इससे आपको ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। और जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 49वां जिला बनाया गया, 50वां जिला कौन बनाया गया, इन संबंधित आपको क्वेश्चन परीक्षा में एग्जाम पूछे जाते हैं।